हजरत पर कलमा बाबा रतन कहां से आई आज किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या मैसेज है आपके तरफ से? जनता दलियों के प्रवक्ता सहित अन्य जो हमारे साथी हैं, ईदी ईद का दिन है और परशुराम जयंती है, तो साझी संस्कृति का हमने परिचय दिया कि मोहम्मद बोध जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी जी जिसके दीक्षित हैं, कुंडलधारी हैं, मोहम्मद बोध का पाठ किया जाता है रमजान की अवधि में और कहा जाता है राम तो रहीम है, हिंदू के गुरु मुसलमान के पीर, 786 बार जो इसका पाठ करता है उसको मनोवांछित फल मिलता है, तो जोगी जी को मानने वाले लोग मोहम्मद बोध का सार्वजनिक पाठ करें तब यह माना जाएगा कि आप जोगी जी की परंपरा में विश्वास करते हैं, जोगी जी के विचारधारा में विश्वास करते हैं। साथ ही साथ हमारी उम्मीद है कि जोगी जी सार्वजनिक रूप से मोहम्मद बोध का पाठ करें जिससे यह संदेश जाए कि हिंदू और मुसलमानों का के जो गुरु और पीर होते हैं उनकी आराधना सब मिलकर करते हैं। इससे आप मैसेज क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि वो सामने आए? रिक्वेस्ट नहीं, आईना दिखाते हैं, आईना आईना देखिए, अकेले में तो मोहम्मद बोध का पाठ कर रहे हैं, अब बगल में जिसके नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ है उसके खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। अतीक अहमद के साथ जो यूपी में हुआ इसको लेकर क्या पटना में भी नहीं वो दुर्दांत अपराधी है उससे किसी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना होगा कि अतीक अहमद का राजनीतिकरण अगर आप कर रहे हैं तो मार्गदर्शक मंडल भाजपा का जो है जो साक्षात कायम है, लोग जीवित हैं, तो 2008 में न्यूक्लियर डील के समय कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद से अलग हट करके अतीक अहमद ने कैसे बीजेपी की मदद की थी, यह खुलासा जरूर होना चाहिए।